नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े एक और नए वीडियो के साथ मैं आपका भाई आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा चैनल पीबीसी क्रिकेट पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन आईपीएल से जुड़े पांच सबसे बड़े खबरों के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर के साथ। तो पहली सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वुमेन्स आईपीएल के बारे में। तो दोस्तों, वुमेन्स आईपीएल यानी कि वुमेन्स टी20 चैलेंज इस साल भी होगा और यूएई पर होगा, जो कि 4 से 9 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। हालांकि दोस्तों, बीसीसीआई ने पहले इसका शेड्यूल 1 से 10 अक्टूबर के बीच रखा था, पर दोस्तों अब बीसीसीआई नहीं चाहता कि ड्रीम इलेवन आईपीएल का फाइनल और वुमेन्स आईपीएल का फाइनल एक ही दिन हो, क्योंकि दोस्तों इससे बीसीसीआई को व्यूअरशिप का नुकसान हो सकता है। तो अब चलते हैं दिन भर की दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के हवाले से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स के स्टार प्लेयर बेन स्टोक्स अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते के पहले ही यूएई पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते में होने वाले राजस्थान रॉयल्स के छठे मैच के लिए बेन स्टोक्स अवेलेबल हो भी जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बेन स्टोक्स के पिता ब्रेन कैंसर से जूझ रहे हैं, तो इसलिए बेन स्टोक्स अपने घर न्यूजीलैंड गए हुए हैं। तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है कि चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना शायद अब हमें पीली जर्सी में नजर ना आए। दरअसल दोस्तों, सुरेश रैना आईपीएल शुरू होने के बस कुछ दिन ही पहले पर्सनल रीजन दिखाते हुए अपने घर वापस आ गए थे, और तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सीएसके और सुरेश रैना के बीच कुछ न कुछ तो खींचातानी हुई है। और अब तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के अपने ऑफिशियल वेबसाइट से भी सुरेश रैना का नाम बिल्कुल ही हटा दिया है। और तो और दोस्तों, अब तो ये भी सुनने में आया है कि सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ फिर से जुड़ना चाहते थे, पर सीएसके मैनेजमेंट ने उन्हें मना कर दिया। और दोस्तों हम आपको बता दें कि सुरेश रैना ही नहीं, हरभजन सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही किस्सा चल रहा है, और उनका भी नाम चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है। चौथी बड़ी खबर भी चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से ही निकल कर आ रही है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज केएम आसिफ ने बायो बबल को तोड़ा है, और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि दोस्तों, केएम आसिफ या फिर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर कोई बैन या फिर कोई जुर्माने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। हाँ, पर आसिफ को 6 दिन के लिए क्वारंटाइन भेज दिया गया है। तो दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर भी सीएसके के हवाले से ही निकल कर आ रही है, और दोस्तों ये चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन अंबत्ती रायडू और स्टार प्लेयर ड्वेन ब्रावो दोनों ही पूरी तरह से फिट हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, जानकारी मिली है कि अंबत्ती रायडू अपने साथी खिलाड़ियों के साथ स्प्रिंट रेस भी मार रहे हैं, और ड्वेन ब्रावो नेट्स पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और दोस्तों ये कोई हवाई खबर नहीं है, दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स की सीईओ ने इस बात की जानकारी दी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज हर रोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।